नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ट्रेड बुल ऑफिशियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल 24 जून के दिन निफ्टी 50 कहां पे कामकाज कर सकता है, आपके कॉल पुट के क्या टारगेट रहने चाहिए। बट उससे पहले देखते हैं आज मार्केट ने कहां पे कामकाज किया, आज क्या चीज रही। बट दोस्तों, उससे पहले ये भी देख लीजिएगा कल की वीडियो में जो जो टारगेट्स मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो में बताए, वो दोनों ही टारगेट दोनों ही साइड पे आज मार्केट के अंदर हिट हुए। ये जिन लोगों ने नहीं कल की वीडियो देखी, जरूर इस वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि क्या वाकई में ही जो मैंने चीजें बताई थी वो मार्केट में आपको देखने को आज मिली या नहीं मिली। अब कल क्या हो सकता है ये भी देखेंगे। दोस्तों, आज मार्केट ने हमें यहां पर एक गैप अप ओपनिंग दी तकरीबन 15,450 लेवल के आसपास। ओपन होते ही मार्केट में हल्का सा एक सेलिंग प्रेशर देखा गया और उसके बाद मार्केट में जबरदस्त एक ऐसी रैली पकड़ी ऊपर की तरफ, जिसमें बहुत ही जबरदस्त हमें लेवल्स देखने को मिले। मार्केट ने अपने दिन का हाई आज 15,600 पहले यहां पे लगाया, इसके बाद हल्का सा टेक्निकल पुल बैक लेके अगला दिन का हाई 15,625 के आसपास लगाया। इसके बाद दोस्तों मार्केट ने काफी टाइम यहाँ पे साइडवेज यहाँ पे स्पेंड किया और इसके बाद जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट वापस बिल्कुल नीचे की तरफ अपना डे लो लगाने के लिए चली गई और डे लो मार्केट ने अपना यहाँ पर 15,370 के लेवल्स के आसपास लगा दिया। इसके बाद फिर से एक मार्केट ने जबरदस्त यू टर्न लिया, डब्ल्यू बनाते हुए हमें बहुत ही उमदा आज एक्सपायरी का हमें एहसास कराया। बड़े दिनों बाद ऐसी एक्सपायरी मार्केट में देखने को मिली। लास्ट का 1.5 घंटा मार्केट ने फिर से एक कंसोलिडेशन जोन में गिना में बिताया और हमारी जो क्लोजिंग यहां पर हुई वो 15,556 में हुई। अब दोस्तों, आज मार्केट में जिन लोगों ने भी लॉस किया होगा, या तो इस जोन में किया होगा या इस जोन में जब मार्केट यहां कंसोलिडेट कर रही थी, इन दोनों जोन्स में ही लॉस किया होगा। इससे आपको एक चीज सीखने को मिलती है कि कभी भी कंसोलिडेट जब मार्केट कर रही है, उस केस में कभी भी कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड मत करें। और दूसरा नंबर टू, कभी भी अपना ट्रेड लेते वक्त हमेशा एक स्टॉप लॉस लगा के चले, बिकॉज दोनों ही केसेस में मार्केट ने इतनी जबरदस्त एक बूम दिखाया, निकलने का मौका ही नहीं दिया होगा कई लोगों को। और अब कल क्या दोस्तों, कल आपको कॉल की पोजीशन में तब बैठना है, सिर्फ और सिर्फ तब बैठना है अगर कल आप मार्केट में निफ्टी को 15,628 ये लेवल 15,628 जब तक इस लेवल को मार्केट पार करके नहीं निकलती, आप कॉल की पोजीशन में नहीं बैठेंगे। इस चीज को आप गांठ बांध लें, नहीं तो मार्केट बहुत जबरदस्त से नीचे आएगी। अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो आपके ऊपर की तरफ पहले मैं टारगेट बता देता हूं, 15,699 ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए और दूसरा 15,736। ये दो टारगेट आपके निफ्टी 50 में मिल जाएंगे अगर 15,620 के ऊपर मार्केट निकलती है तो। अब कॉल की पोजीशन आपने तब बनानी है अगर मार्केट आपको 15,498 मतलब इस लेवल 15,498 के नीचे अगर निफ्टी आपको नीचे निकलती हुई नजर आती है, डेफिनेटली यहां पर पुट की पोजीशंस आंख बंद करके बना लीजिएगा। जैसे कल मैंने आपको बोला था, आंख बंद करके आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं 33,076 के लेवल के ऊपर। आज मैं आपको बोल रहा हूं अगर 15,498 मार्केट ब्रेक करती है तो डेफिनेटली पुट की पोजीशन यहां पे बनती हुई नजर आती है। टारगेट्स आपके नीचे की तरफ 15,467 और 15,429, ये दो लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में अगर अगर मार्केट यहां से 15,556 को ब्रेक करके निकलती है तो। तो दोस्तों, छोटे छोटे टारगेट्स मैं इसलिए मार्क कर रहा हूं
क्योंकि कल फ्राइडे है, फ्राइडे को तकरीबन मार्केट जो है साइडवेज जोन में चली जाती है। अब आज लाइव स्ट्रीम में भी मैंने आपको बताया, अगले कुछ दिनों तक मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा यूट्यूब स्ट्रीम पर, खास करके कल और ट्यूजडे को, दैट इज 28th। मैं अगला लाइव मंडे को आऊंगा सुबह 9 से 11, बिकॉज मैं अपनी फैमिली के साथ जरा बाहर जा रहा हूँ वेकेशन पर, तो डेफिनेटली मैं नाइट पे वीडियोस आपको बनाता रहूंगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो ड्यूरिंग लाइव मार्केट, तो डिस्कॉर्ड चैनल पर पूछते रहिएगा, उसमें मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड बाय बाय।